वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज हम लोग लेकर आए हैं 16 जुलाई का द हिंदू। द हिंदू पढ़ना है आपको अपने ई सब्सक्रिप्शन से पढ़ना है। अगर नहीं किया तो 999 रुपए में इस समय आ गया है, ई सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें द हिंदू, वहां से पढ़ें, क्योंकि आज फिजिकल कॉपी नहीं मिल रही है। द हिंदू का वेट आप सारा दिन नहीं कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपके एग्जामिनेशन का कि ये पेपर पढ़ना ही होगा। मैं उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, उसके बाद उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। पहला न्यूज है, जियो ऑफर्स 5G टेक्नोलॉजी टू डेवलप चीप स्मार्टफोन विद गूगल। जियो ने दो घोषणाएं की। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच जियो मेड इज कि दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 33,737 crores फ्रॉम गूगल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि दे बोथ आर गोइंग टू डेवलप अ स्मार्टफोन, अ चीप प्राइज्ड स्मार्टफोन। And the third thing that Jio is developing is made in India 5G solution which may be ready very soon. तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि आने वाले दिनों में they are going to be a path breaking, they are going to be extraordinary investments in India and they are creating going to create new openings, new happenings in India. गवर्नमेंट रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ डिसएंगेजमेंट टॉक्स एट LAC। LAC में जो डिसएंगेजमेंट टॉक है उसको रिव्यू किया जा रहा है। गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री उसको रिव्यू कर रही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स। ये एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि यूरोपियन यूनियन जो चाइना जगह खाली कर रहा है उसको यूरोपियन यूनियन वो जगह फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यूरोप से हम लोग का टॉक्स चल रहा है। कल के या परसों के न्यूज़पेपर में भी ये बातें थी कि हाउ इंडिया शुड फिल द गैप विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय चाइना। नाउ चाइना से 34% का ट्रेड है यूरोपियन यूनियन का, सबसे बड़ा पार्टनर है उनका और चाइना का भी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर है। तो अगर वो लोग कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन उनका ख़राब हो रहा है तो इंडिया वो जगह जाके फिल कर सकता है और वहाँ पर उनसे ट्रेड रिलेशन अच्छा बढ़ा सकता है। बट कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, जो CAA को लेकर के या जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर के, वो उन्होंने भी अपना प्रेजेंट किया कि ये सारे इश्यूज भी आपको देखने होंगे। इंडिया ने एग्री किया है। आगे चलते हैं पेज नंबर थ्री में एक न्यूज है। ये न्यूज अफोर्डेबल पेज नंबर थ्री में अफोर्डेबल कॉन्श्योर, क्या नाम है उसका, एक IIT दिल्ली ने अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट लॉन्च किया है COVID-19 का, दैट इज नोन एज कोरोस्योर। कोरोस्योर इज अ किट विच कैन टेस्ट इट इज RT-PCR बेस्ड टेस्ट एंड इट इज फॉर COVID-19 पेशेंट्स। अब अभी तक जो टेस्ट हो रहा है वो 2,500 से 4,500 तक पे टेस्ट हो रहा है। अब ये 399 रुपए में ये टेस्ट किया जा सकता है। ये मेड इन इंडिया, IIT दिल्ली की अपनी देन है ये। आगे चलते हैं। ये हरेला त्यौहार याद रखिएगा, कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला त्यौहार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नंबर सिक्स पे। डायरेक्टली सिक्स में एडिटोरियल पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज में आज जो आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेनली दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये इन्फ्लेशन अलर्ट की राइजिंग प्राइजेस, ये जो होलसेल और रिटेल, मेनली रिटेल प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, और जून का जो रिटेल इन्फ्लेशन देखा गया है दैट इज 6% एंड इज वरिंग। अगर इस कोविड सिचुएशन में वेयर इकोनॉमिक इज रियली डिटोरिएटिंग, वहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एकदम डाउनग्रेड स्थिति में है, वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन भी आ जाए तो त्राहिमा मच जाएगा। और ये इन्फ्लेशन आ रहा है बिकॉज सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन हुआ है और फूड और वेजिटेबल और ये सारी सप्लाईज जो रोकी गई हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ट्रेन ही नहीं मंगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे सप्लाई चेन ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस हाई हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना होगा गवर्नमेंट को बहुत जल्दी। दूसरा है ये चाइनाज पोस्ट कोविड एग्रेशन इज रिशेपिंग एशिया। इसमें दो बातें कही हैं, इसमें दो पार्ट देखे जा सकते हैं इस आर्टिकल में। पहला ये देखा जा सकता है कि जो हो रहा है चाइना में, चाइना पोस्ट कोविड जो एग्रेशन दिखा रहा है, इस एग्रेशन की वजह से जो एशिया है वो एक नया शेप ले रहा है, क्योंकि चाइना ने अपने इस एग्रेसिव पॉलिसी, ये जो वुल्फ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कर रहा है, इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वजह से, या यूं कहें एक और उनका नया डिप्लोमेसी आया मास्क डिप्लोमेसी, कि हम मास्क भी दे रहे हैं और साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमने कोरोना वायरस दिया और मास्क के पीछे रह करके हम ये
कांड कर रहे हैं कि लोग मास्क के पीछे हैं, लोग ऑलरेडी सत्ते में हैं, उसके बाद भी हम इस तरह से एग्रेशन शो कर रहे हैं। ये चाइना का नया एटीट्यूड है, एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और ये मास्क डिप्लोमेसी, ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किए हुए हैं। और उसने केवल इंडिया को ही नहीं, इंडिया के साथ साथ वियतनाम, मलेशिया, साउथ चाइना सी और ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ उसके पंगे हो रहे हैं, ताइवान, हांगकांग, ये सभी जगह पर। तो कहीं ना कहीं ये जो बुलिंग कर रहा है चाइना अपने आप को सुपर पावर प्रूव करने के लिए, उसे लगता है कि यूएस की धमक खत्म हो गई है और उसकी वजह से ये वहाँ पे प्लेस ले लेगा, तो ऐसा कोई होने नहीं देगा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लोग नहीं खड़े हैं, ईरान खड़ा है और बहुत गुपचुप तरीके से रशिया खड़ा है, और रशिया को अगर कहीं और ऑप्शन मिलेगा तो रशिया कभी भी चाइना की तरफ नहीं जाना चाहेगा। यूरोपियन यूनियन पीछे बैकफुट पे आई गया है, ब्रिटेन बैकफुट पे आई गया है। तो कहा जा रहा है कि इनके इस एटीट्यूड की वजह से एक नए काइंड ऑफ एशियन सॉलिडारिटी देखने को मिल रही है। जो ये एशियन सॉलिडारिटी नई तरह की आ रही है, ये इस क्राइसिस सिचुएशन से निकल करके बाहर आ रही है, ठीक है। तो एशियन मल्टीलेटरलिज्म हैज बीन बॉर्न आउट ऑफ दीज क्राइसिस। जैसे चियांग माई का जो इनिशिएटिव था, जब एक फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म डेवलप हुआ बिटवीन जापान, चाइना, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, जब 1919 का क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इस तरह का एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव डेवलप हुआ था। उसी तरह से आसियान को देख लिया जाए, दो इट फॉर्म इन 1967, बट एक्चुअली जब फॉल ऑफ साइगॉन, जब ये साइगॉन शॉक हुआ था, उसके बाद 1976 के बाद से ये प्रॉपरली एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, एक न्यू तरह का वर्ल्ड ऑर्डर और एशिया में तो एक नया शेप दे रही हैं, बट यूएस नीड्स टू डू समथिंग मोर, इट्स नीड्स टू प्ले वेरी केयरफुली, बिकॉज एज यूएस इज प्लेइंग, यूएस भी एग्रेशन शो कर रहा है, और ऐसे एग्रेशन में बाइपोलरिज्म और न्यू कोल्ड वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और जो ये WHO से बाहर निकलना यूएस का, और यूएस का मनमानी तरीके से किसी को डायरेक्शन देना, ये भी ठीक नहीं है। यूएस को बहुत मतलब एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह वहाँ पे खेलना चाहिए। वॉशिंगटन शुड अवॉइड रिपीटिंग बीजिंग्स मिस्टेक एंड ऑफर ए क्लियर अल्टरनेटिव इन वर्ल्ड एंड डीड टू चाइना। वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी, उनका जो वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी है, उसके अगेंस्ट इनको एक सूझबूझ वाला रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा ये न्यूज है, द डे ऑफ दुदा, दुदा मतलब प्रेसिडेंट अंद्रेज दुदा, जो री इलेक्ट हुए हैं पोलैंड में फिर से। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड्स में है और इनको बहुत लोग नहीं चाह रहे थे, यूरोपियन यूनियन से भी इनका थोड़ा सा पंगा चल रहा है, तो इन सब के अलावा भी इनको चुना गया है, ये न्यूज आप देख लीजिएगा। इट्स टाइम टू फ्लैटन द पेंडेमिक स्टीरियोटाइप, यहाँ पे है कि सुपर स्प्रेडर का एक टैबू लगा दे रहा है, एक सुपर स्प्रेडर्स को टैबू बना दे रहा है, क्योंकि न्यूज चैनल्स और इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने सुपर स्प्रेडर्स के नाम तक डिक्लेयर कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर्स को एक लेबल्ड कर दिया गया है। तो जैसे कि ये लेबलिंग थ्योरी दिया था हॉवर्ड बेकर ने लेबलिंग थ्योरी में कहा था कि अगर इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग हम लोग करेंगे ऑन सम ग्रुप्स और सम इंडिविजुअल्स, लाइक जैसे हमने तबलीगी को किया, जैसे हम सब्जी वाला उसको कर रहे हैं, जैसे हम किराना स्टोर्स वाला को कह रहे हैं, उनकी वजह से फैल रहा है, तो ये लेबलिंग ठीक नहीं है। इसके लिए प्रॉपर कंक्रीट स्टेप लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी। नो लेवल टू नॉट लेवल एनी कम्युनिटी और एरिया फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। लेवल मत करो यार, ये सब लोग इससे पीड़ित हैं, कोई चाह के ये नहीं कर रहा है, बट यू शुड मेक देम अवेयर, ये इनको करना चाहिए। इसको लेकर के ये आर्टिकल था। यहाँ पे है कि कर्नाटका बेंच का जो अभी एक एंटिसिपेटरी बेल दे दिया गया है रेप अक्यूज को, तो इससे विक्टिम्स का ना अब ट्रायल पे रहना वो हो गया है, कंपल्सन हो गया है, बिकॉज इस तरह से बेल दे देना मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ग्रिम सिचुएशन को आप बहुत लाइटली ले रहे हो, तो इसको लेकर के ये आर्टिकल था। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है, इंडिया शुड बिलीव इन यू, ये उसी आर्टिकल का एक तरह से एक्सटेंशन माना जाए कि देयर टाइज अज्यूम सिग्निफिकेंस एज अ रूल बेस्ड ऑर्डर गेट्स चैलेंज्ड बाय राइज ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। जो एक्सेप्शनलिज्म चाइना का और यूएस का वो हो रहा है, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एज अ रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज, एज अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और दोनों आपस में बहुत अच्छा ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 8 में कुछ भी नहीं, 9 में सच कुछ भी नहीं, उसके बाद आते हैं हम लोग 9 में। हाँ 9 में है, 9 में ये है मेनली
गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट. जनरली जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है उसको डिसीजन लेता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो अभी प्रोसेस को शॉर्टन करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी पावर्स दिया गया है आर्म फोर्सेस को, इन दैट सिचुएशन व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, व्हाट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज डन, 300 करोड़ तक की कोई भी डील वो आर्मी खुद कर लेगी, आर्म फोर्सेस खुद कर लेगी. तो उसका क्या होगा, एक्विजिशन बहुत फास्ट होगा, 6 महीने से साल भर के अंदर सारा चीज सारे डीलिंग हो जाएगी. अदरवाइज रेड टेप में फटकी फंस के वो साल दो साल सारे परमिशन और ये सारी चीजें लेने की कोशिश करेंगे. तो द डीएसी डेलीगेटेड द पावर्स फॉर प्रोसेसिंग अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन केसेस अप टू 300 करोड़. ठीक है, तो ये डिसीजन अभी लिया गया. नेक्स्ट है, मोदी एग्जॉस्ट यूथ टू स्किल रीस्किल एंड अपस्किल. अभी वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो मनाया गया कल, उस वर्ल्ड उस पे जो मोदी जी ने कहा कि लोगों को जरूरत है अपने आप को स्किल रीस्किल एंड अपस्किल करते रहने की, तभी हमारा प्रॉपर साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे और सर्विस सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, ये कहना है मोदी जी का. ठीक है, उन्होंने नॉलेज और स्किल में डिफरेंशिएशन भी करते हुए कहा कि जैसे एक साइकिल कैसे चलती है उसके साइंस को समझना इज नॉलेज, बट उसको चलाना इज अ स्किल. तो ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि हम लोग कैसे आईटीआईज को, आईटीआई की इकोसिस्टम को पूरे देश में बढ़ाए हैं, और उस चीज को लेकर के उन्होंने बताया, लोगों को अवेयर किया. पी ऑन जेके डोमिसाइल रूल्स टर्न डाउन. जम्मू कश्मीर में जो 100% डोमिसाइल डोमिसिलरी कोटा दिया गया है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसको चैलेंज किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये किसी भी तरह से वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 14, 16, 19 और 21 का. इसमें कहा गया था कि ये इस आर्टिकल इस लॉ का जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट है, ये कहीं ना कहीं इसका जो सेक्शन 3A है, 5A है, 6 है, 7 है, ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14, 16, 19, 21 का. बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. ठीक है, अगला अशोक लवासा. अशोक लवासा हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी हैं उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर हैं. इनको अभी एक नया रोल दिया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसके पहले ये वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाते थे दिवाकर गुप्ता, जो कि रिटायर हो रहे हैं अगस्त 31st को, उनकी जगह लेंगे अशोक लवासा. ये अपने क्रिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया ऑन इलेक्शन इश्यूज. ठीक है, पेज नंबर 10 में आते हैं, इंडिजिनस वैक्सीन फॉर निमोनिया गेट्स नॉट. अभी इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो, उसने क्या किया कि अपना एक वैक्सीन ट्रायल पर रखा निमोनिया का, और उसको ट्रायल किया फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसका ट्रायल कंप्लीट हो गया. तो डीजी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने इसको परमिशन दे दिया कि आगे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में. असल में इसका ये जो निमोनोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये एक्ट करती है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर, और मेड इन इंडिया और इंडिजिनस हमारा अगर इस तरह का वैक्सीन होगा तो उसकी अवेलेबिलिटी हम ज्यादा करवा पाएंगे. अभी तक ये सारी वैक्सीन इम्पोर्ट होके आती थी, ये भी एक मेड इन इंडिया का एक नमूना है. इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाई 2047. इंडिया का पॉपुलेशन बताया जा रहा है लेंसेट की एक रिपोर्ट में कि 2047 तक क्या होगा, पीक कर जाएगा, वो मैक्सिमम पे होगा, और वो होगा कितना, 1.61 बिलियन. लेकिन ये फिर आगे से डिक्लाइन 2047 के बाद से डिक्लाइन पे आ जाएगा, और 2100 जाते जाते 2100 माने 22nd century आते आते ये एकदम से डिक्लाइन करके कहाँ पहुँच जाएगा, 1.03 बिलियन पर पहुँच जाएगा, ये कहा जा रहा है. लेकिन अगर हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोग टारगेट्स में मीट करते हैं, तो वेरी सून बिफोर दैट टारगेट ऑल्सो बिफोर 2047 वी आर गोइंग टू पीक. क्योंकि हमारा TFR जो है वो 2.1 से अभी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1947 तक इंडिकेटर्स इंप्रूव करेंगे और TFR रेट नीचे आएगा. 2.1 से TFR जब कम होता है तो रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन का नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन घटने लगती है. ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि 16 ईयर से ज़्यादा की जितनी भी लड़कियां हैं, मैक्सिमम लड़कियां अगर एजुकेटेड हो, 95% फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हो इजीली, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर सकता है. जो बहुत सारे देश हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे नेशन में TFR है 1.75 का, इंडिया का 2.1 से ज़्यादा है. और जो इनका आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जब पीक पे पहुंचेगा, वर्ल्ड का पॉपुलेशन पीक पे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 2061 में. 2061 के बाद ये और डिक्रीज करेगा, 1.47 चला जाएगा TFR, और ये जो है घटते 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 हम लोग का जो पॉपुलेशन है
पहले तो पीक पे पहुंचेगा तो 9.73 बिलियन हम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, और जब वो घटने लगेगा घट के 8.79 बिलियन हम लोग बचेंगे, ठीक है। एक एस्टोनिशिंग जो इसमें आस्पेक्ट निकल कर आया है वो ये है कि नाइजीरिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सबसे हाईएस्ट रेट से बढ़ रहा है, और वो तब तक बढ़ता ही रहेगा। इंडिया नंबर वन हो जाएगा, नाइजीरिया नंबर टू पे होगा, चाइना नंबर थ्री पे, यूएस एंड पाकिस्तान फोर्थ एंड फाइव पोजिशन रखेंगे, ठीक है। दूसरी एक रिपोर्ट है, फाइट अगेंस्ट हंगर डिसरप्टेड बाय स्लोडाउन। ये जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट लिया था 2030 तक हम लोग डिक्रीज कर देंगे हंगर को, जीरो कर देंगे, ये हमारा सेकंड टारगेट था। एसडीजी नंबर टू, एसडीजी नंबर वन पॉवर्टी, एसडीजी नंबर टू आपका हंगर था, तो जीरो हंगर, तो जीरो हंगर करने के हम लोग करीब जाने को कौन कहे, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। 2018 में 68 करोड़ लोग भूखे रह जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, और आज के डेट में 69 करोड़ 2019 में हो गए थे, लेकिन ये कोविड सिचुएशन से लगभग 10 करोड़ लोग और इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी वो और लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे और भुखमरी के हालत में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड में इतना डेवलपमेंट हो गया, हम चांद तारे कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम भूख नहीं मिटा सक रहे हैं लोगों की। कहीं ना कहीं ये पांच एजेंसीज जो हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर IFAD, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WHO, ये सब मिल करके ये नई रिपोर्ट लेकर आए हैं, और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग 2030 का टारगेट अचीव करना है तो हम लोग को और एग्रेसिवली काम करना होगा, 2030 का टारगेट मिस हो रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे बहुत सारा परसेंटेज हंगरी है, लगभग 8.9% पीपल हंगरी हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी अगर पूरा एक टुगेदर रख दिया जाए पूरा आंकड़ा आंकड़ा तो 300 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे रहते हैं। 300 करोड़ से ज़्यादा लोग का भूखे रहना बहुत गलत बात है, और वो भूखे तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन 143 रुपये पर डे जो उनको चाहिए अर्न करके वो नहीं अर्न कर पा रहे अपने प्रॉपर डाइट के लिए, वो उनका नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बच्चे जो हैं बहुत स्टंटेड, बहुत वेस्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत वो है, सोचने का विषय है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एशियन रीजन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 38 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, मल नरिश्ड हैं। उसी तरह से अफ्रीका सेकंड नंबर पे है, और देखा जाए तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, तीसरे नंबर पर है 4.8 करोड़ के साथ, ठीक है। तो ऐसे में ये जो भुखमरी वाला केस है इसको देखना होगा, नहीं तो हैंडल करना होगा, नहीं तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं हम वो SDG के जो सारे गोल्स हैं वो सारे गोल्स हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि हमें बहुत जल्दी सतर्क होना पड़ेगा, ये कोविड सिचुएशन ने तो और ज़्यादा टफ कर दिया है सिचुएशन को, ठीक। इसके अलावा एक और जो इसमें न्यूज़ पढ़ने लायक थी, मेरे ख्याल से सारी हो गई। एक ये कि जैसे अभिजीत बैनर्जी जो कि नोबेल प्राइज विनर रहे हैं 2019 के अपने वाइफ एस्थर दुफ्लो के साथ, उनका एक वीडियो बना के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में ये क्या है कि COVID-19 के एडवाइजरी बोर्ड में है, और इन्होंने वीडियो बना के छोड़ा और इससे लोगों में फ़र्क पड़ा, लोग इनकी बात को सुन रहे हैं। तो ऐसे वर्चस्व वाले बंदे जिनकी बात जनता माने हैं, वो लोग सामने आकर इस तरह से अगर प्रपोजल दें तो लोगों थोड़ा सा घरों में रहेंगे और कोविड से हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। दूसरी न्यूज़ जो पेज नंबर 11 पर है, पैसिफिक पाइवट फॉर टाइज विथ मॉस्को। इंडियन एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया और रशिया मिलकर के पैसिफिक और इंडियन ओशन पर अच्छा वर्चस्व बना सकते हैं, क्योंकि रशिया को ज़रूरत है इंडियन ओशन की और इंडिया को ज़रूरत है पैसिफिक ओशन की। ये दोनों आपस में अगर अच्छा संबंध रखते हैं तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इस रीजन को सॉल्व करके इस रीजन को स्टेबल कर सकते हैं। रशिया साइड्स ना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आसियान नेशन के जो देश हैं, वियतनाम और ये सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंडिया और रशिया मिलकर के वियतनाम के पास एक तेल का कुआं एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस एक्सप्लोरेशन गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन है, उस एक्सप्लोरेशन के बहुत करीब उस वाटर्स में घुस करके चाइना अपनी बुलिंग कर रहा है, तो उसको भी रोकना होगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पेज नंबर और अगला आर्टिकल मूव करते हैं। तो ये जो हम लोग वर्ल्ड ऑर्डर में देख रहे हैं, 11 नंबर पेज में यही था, इसके बाद पेज नंबर 12 में जाते हैं हम लोग। वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, सब लॉबिंग कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के फेवर में। यहाँ पे इंडिया और रशिया एक साथ आने की बात कर रहे हैं। अब पेज नंबर 12 में ये जो न्यूज़ है आप देख रहे हो, 12 13 में नहीं है, 14 में सीधे ये न्यूज़ है।
यूएस गवर्नमेंट रिसेंट रेस्ट्रिक्टिव रूल ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जी इंटरनेशनल स्टूडेंट हुआ करते थे जो ऑनलाइन कोर्सेज लेते थे और ऑनलाइन कोर्स लेकर के यूएस में जाके पढ़ते थे, तो अभी ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा था कि F1 और M1 वीजाज हम कैंसिल कर देंगे। F1 और M1 वीजा कैंसिल करने की वजह से ये ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत डायलेमा में आ गए थे कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये वहाँ फंस गए हैं और वहाँ से कोविड सिचुएशन में आ भी नहीं सकते हैं। असल में ये वहाँ पे जाके पार्ट टाइम काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं ऑनलाइन में। तो ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है तो आप अपने घर से करो, यहाँ आके करने की जरूरत क्या है, हमारे लोगों की जॉब छीनने की जरूरत क्या है, ये बोल के उन्होंने किया था। लेकिन वहाँ के यूएस कांग्रेस के प्रेशर में और सबके प्रेशर में आके ये सिचुएशन अभी आई है कि उन्होंने ये अपना डिसीजन वापस ले लिया है। अब F1 और M1 वीजा वालों को बाहर नहीं निकाला जाएगा फिलहाल, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वीजा देंगे कि नहीं। अगर देते भी हैं तो अभी सारी एम्बेसीज बंद पड़ी हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिलनी है। अगला न्यूज जो है, ट्रंप ने हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस था वो उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि चाइना जिस तरह से ये लॉ ला के वहां पर एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके लॉ ला के हांगकांग को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो अब हांगकांग और चाइना में कोई डिफरेंस नहीं है। हांगकांग विल नाउ बी ट्रीटेड द सेम एज मेनलैंड चाइना। जो इनको पर्स मिलते थे यूएस की तरफ से, जो छूट मिलता था, जो ट्रेड बेनिफिट्स मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे। और बल्कि हांगकांग के बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगाएगा यूएस। सैंक्शन लगाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं चाइना की कमर टूटेगी क्योंकि उसका पूरा फाइनेंशियल हब हांगकांग है। ठीक है, द फ्रीडम हैज बीन टेकन, द राइट हैज बीन टेकन अवे, ये सारी बातें कहकर वो ये चीज जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। दूसरी तरफ कोविड 19 का एक वैक्सीन है, बहुत करीब आ गया है। इसको मॉडर्ना बोल के बायोटेक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है और इसका रिसर्च जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज में हुआ और ये फेज 3 का ट्रायल ऑलमोस्ट कर चुका है और करीब है फाइनल प्रोडक्शन के। अक्टूबर तक ही हो सकता है फाइनल प्रोडक्शन दे। अब कितना इफेक्टिव होगा इसका अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टर्स जो हैं, ये ब्लैक लाइव्स मैटर बोल के जो मूवमेंट वर्ल्ड ओवर चल रहा है, अभी इसमें क्या हुआ कि एक जो यूरोप में ये ब्रिस्टल के हार्बर के पास जो कोलस्टोन की जो मूर्ति थी 17th century की, वो 17th century के स्लेव ट्रेडर हुआ करते थे, उनका विरोध करते हुए उनकी मूर्ति गिरा दी गई थी कुछ दिन पहले। अभी किसी एक जेन रीड नाम की एक लड़की है जो कि इस विरोध में बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट की थी, उसकी फोटो किसी ने खींच करके वो मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ले जाके उस जगह पर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब देखा जाए कि ये आगे क्या शेप लेता है ये मूवमेंट। इसके बाद पेज नंबर 15 बिजनेस वाला न्यूज़ है, AIBEA जो है ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, इन्होंने कहा है कि हम 2400 विलफुल डिफॉल्टर जो 5 करोड़ से ज़्यादा लोन लिए हैं और डिफॉल्ट किए हैं, इन लोगों का नाम घोषित करेंगे। और ये लगभग 2400 लोग ऐसे हैं। अगर ये 5 करोड़ का आंकड़ा अगर हम 1 करोड़ का लिमिट लगा दें तो लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जो विलफुली डिफॉल्ट किए हैं, उनके नाम जारी करेगा। एयर इंडिया ने उधर छटनी करने की बात की है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तैयारी हो गई है उसकी और बहुत सारे लोग बैठना पड़ेगा, बहुत लोगों की जॉब जाएगी। COVID-19 में एक्सेलरेट स्विच टू सोलर एनर्जी, कहा जा रहा है कि COVID-19 की वजह से सोलर एनर्जी की तरफ लोगों का बढ़ाव झुकाव ज़्यादा होगा क्योंकि लोग घरों में अपने ऑफिस चला रहे हैं और वहाँ पर एसी चला करके काम कर रहे हैं जिससे उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। तो इस बिल को बचाने के लिए अगर उनको ये अल्टरनेटिव दिया जाए कि आप सोलर एनर्जी अगर अपने छतों पर लगा लें तो सोलर पैनल लगा लें तो आपका बिल बहुत कम आएगा। तो ये धीरे धीरे अगर सोलर पैनल सस्ता किया जाए, अपने देश में प्रोडक्शन किया जाए और सस्ता हो जाए तो ये काम भी किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट पेज में आते हैं, 16वें पेज में, ये जो इंडिजिनस बग्स हेल्प टैकल इन्वेसिव पेस्ट है वुली वाइट फ्लाई। इस तरह के 118 और पेस्ट हैं, उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं पर वुली वाइट फ्लाई हमारे फ्रूट्स को बहुत नुकसान कर रहा है। तो इंडियन फार्मर्स और फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं वो परेशान थे बहुत दिन से, लेकिन अभी एक रिसर्च पाया कि 2 types ऑफ लेडीबर्ड बीटल्स इंसेक्ट्स हैं जो इनको खाते हैं, इन वुली वाइट फ्लाई को खाते हैं। तो इनको अगर वो लोग खाएंगे तो इकोसिस्टम बड़े अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है उन रीजन्स में जहाँ पर वुली वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि 30 से 35% फसल ये लोग नुकसान कर देते थे। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर लिया जाए और इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड ना डाला जाए, पेस्टिसाइड ना डाला जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत एनवायरनमेंट को अच्छा रहेगा और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ ये रहा आपका द हिंदू का आखिरी पेज। तो मेरे ख्याल से आज के न्यूज़ में कुछ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थे, आंकड़े बहुत ज़्यादा थे, ध्यान दीजिएगा एक बार उसको द हिंदू से रीड करके अपना नोट बना लीजिएगा, उन पॉइंट्स का एटलीस्ट लिख लीजिएगा जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो आप भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस, लर्निंग मेड इजी, थैंक यू सो मच।